morning, everyone. As you all know that we have already studied about the historians and their sources in the previous class. So now here we start to discuss about the new social and political groups. आज हम न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं कि किस तरह से न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं. द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750 इज अ ह्यूज चैलेंज एज हिस्टोरियंस लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट अकर्ड ओवर द पीरियड्स. 700 टू 1750 के बीच में जो 1000 ईयर्स इंक्लूड है, इनके बारे में स्टडी करना हिस्टोरियंस के लिए काफी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस 1000 ईयर्स के इंक्लूडिंग काफी ऐसे ग्रोथ्स और काफी ऐसे डेवलपमेंट्स हो चुके थे, काफी ऐसे चेंजेस हो चुके थे जो कि मैक्सिमम जो है मेडिवल पीरियड्स के टाइम पे ही देखने को मिलते थे. डिफरेंट मूवमेंट्स इन दिस पीरियड्स न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस. इस पीरियड्स के अलग अलग मूवमेंट्स पे कई ऐसे न्यू टेक्नोलॉजीज भी क्या हुए थे, अपीयर्ड हुए थे, बनाए गए थे, जैसे कि लाइक द पर्सियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पाइनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट. दैट इट मींस कि इरिगेशन में पर्सियन व्हील्स का यूज किया जाने लगा, वीविंग्स यानी बुनाई में स्पाइनिंग व्हील का यूज किया जाने लगा, और फायर आर्म्स में कॉम्बैट्स भी क्या किए जाने लगे, यूज किए जाने लगे. न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट्स, पोटैटोस, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफीज. न्यू फूड्स और बेवरेजेस जो है वो इस सभी सब कॉन्टिनेंट्स में अराइव होने लगे, पाए जाने लगे, यानी कि नए तरीके की खाने पीने की चीजें जो है वो फॉर्म होने लगी सब कॉन्टिनेंट्स में, जैसे कि पोटैटोस, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी. रिमेंबर डेट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल्स हु ब्रॉट अदर आइडियाज विद देम एज वेल. एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दिस चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7. सारे इनोवेशंस में आपको ये लर्न रखना होगा, ये याद रखना होगा कि जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज और क्रॉप्स जो हैं, न्यू टेक्निक्स जो है फॉर्म्ड हो रही थी, ये उन लोगों की वजह से फॉर्म्ड हो रही थी जिनके पास क्या थे, अदर आइडियाज थे, जिनकी वजह से ये न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू वे क्रॉपिंग का वो क्या हो रहा था, फॉर्म्ड हो रहा था. एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो पीरियड्स हैं इसमें काफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल और सोशल और कल्चरल चेंजेस देखने को मिले, जिसके बारे में आप 5th, 6th और 7th चैप्टर में स्टडी करेंगे. दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ग्रुप्स ऑफ पीपल्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल्स टू कार्व अ फॉर्च्यून. दैट इट मींस कि इस पीरियड्स को हम ग्रेट मोबिलिटी के लिए भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल यानी ग्रुप जो है, पीपल्स के जो ग्रुप है वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज की सर्च में यानी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने के लिए काफी लॉन्ग डिस्टेंस को क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं. ये जो सब कॉन्टिनेंट्स है यहाँ पर इमेंस वेल्थ और लोगों के लिए एक फ्यूचर मेंटेन करने के लिए काफी पॉसिबिलिटीज जो है वो देखने को मिलती है. वन ग्रुप ऑफ पीपल्स हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड फॉर द राजपूत्स आर नेम डिराइव फ्रॉम राजपुत्र, द सन ऑफ अ रूलर्स. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो पीपल्स का जो ग्रुप है, एक पीपल्स एक लोगों का जो ग्रुप है जिसे हम इस पीरियड में काफी इम्पोर्टेंट वे में हम जानते हैं, काफी पॉपुलर है, जिनका नाम क्या है, राजपूत्स. इन्हें हम राजपुत्र नाम से क्या किया है, डिराइव किया है. दैट इट मीन्स द सन ऑफ अ रूलर. बिटवीन द 8th and 14th century द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम क्षत्रिय कास्ट स्टेटस. 8th और 14th century के बीच में ये जो टर्म है ये हम सिर्फ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स के लिए क्या करते थे, जनरली अप्लाइड करते थे, जो कि कास्ट स्टेटस से क्या होते थे, क्षत्रिय होते थे. द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चीफ्स बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्च ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. दैट इट मीन्स ये जो टर्म है सिर्फ रूलर्स या चीफ्स यानी मुखिया के लिए ही यूज नहीं किया जाता था, बल्कि सोल्जर्स और कमांडर्स के लिए भी यूज किया जाता था, जो कि सब कॉन्टिनेंट्स के, सभी सब कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग मोनार्च में आर्मीज एज अ आर्मी क्या करते हैं, वर्क करते हैं. आर कैवेलरिक कोड्स ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत्स बाय देयर पोएट्स एंड बार्ड्स. दैट इट मीन्स कि पोएट्स और बार्ड्स के थ्रू, यानी कि जो राजपूत्स की जो क्वालिटीज होती थी, एक्सट्रीम वैलर या फिर ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, यानी उनकी जितनी क्वालिटीज हैं वो किसके थ्रू बताई जाती थी, पोएट्स और बार्ड्स के थ्रू क्या किया जाता था, बताया जाता था. अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द मराठास, सिक्स, जाट्स, Ahoms and Kayathas, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunities of the age to become politically important. That it means, इस पीरियड्स में हम अदर ग्रुप ऑफ पीपल्स को भी हम जानते हैं, जैसे कि मराठा, सिक्स, जाट्स,
एहोम्स एंड खयातास ये क्या करते थे, ये इस पीरियड्स के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज को यूज करते थे ताकि वो क्या बन सके, पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट बन सके, पॉलिटिकली स्ट्रांग हो सके. Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in other. That it means कि इस पूरे periods को अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा था, यानी कि इस पूरे periods के दौरान एक बहुत ही gradually जो है बहुत ही fast एक process हो रहा था, यानी forest को clear किया जा रहा था और forest को clear करने के बाद वहाँ पे agriculture को क्या किया जा रहा था, extend किया जा रहा था, यानी forest को clear करके agriculture जो है वो क्या किया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था. तो इसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर ये जो चेंज था काफी तेजी से और काफी ज्यादा देखने को मिला इन कंपैरिजन टू द अदर एरिया, दूसरे एरियाज के कंपेयर में. चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट. और ये जो चेंजेस जो हैबिटेट में जो चेंजेस आ रहे थे इनके वजह से क्या हो रहा था कि फॉरेस्ट जो ड्वेलर्स थे वो क्या कर रहे थे, अपने एरियाज को छोड़कर दूसरे एरिया की तरफ क्या कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे. क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि फॉरेस्ट जो था वो कम्प्लीटली क्लियर हो रहा था और वहां पर जो लैंड था वो एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा रहा था, तो वो अपने लिए एक सुइटेबल एनवायरमेंट, एक सुइटेबल एरिया को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने उस एरिया को छोड़ दिया और अपने लिए नए एरिया को क्या किया, उन्होंने फाइंड आउट कर लिया. Others started tilling the lands and become peasants. These new groups, peasants groups, gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries, and temples, and they become part of large, complex society and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. इट मीन्स कि इनमें से कुछ ऐसे भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे जिन्होंने क्या किया, वो वहीं पर रुके और उन्होंने लैंड को टिल करना स्टार्ट कर दिया और वो वहां के पीजेंट बन गए, वहां के किसान बन गए. और ये जो न्यू पीजेंट्स का जो ग्रुप था ये बहुत ही तेजी से रीजनल मार्केट्स, चीफस्टेंस और प्रेस्ट और मोनास्ट्रीज और टेम्पल्स की तरफ क्या होने लगे, इन्फ्लुएंस्ड होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे और ये एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का एक लार्ज पार्ट बन गए, जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें टैक्सेस को पे करने पड़े और जो उनके लोकल लॉर्ड्स होते थे उन्हें गुड्स और सर्विसेज भी क्या करना पड़ता था, प्रोवाइड करना पड़ता था. एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंग पीजेंट्स. सम पोसेसेड मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर ऑल्सो केप्ट कैटल एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ड्यूरिंग द लीन सीजन. एज सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएटेड पीपल्स वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सबकास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस. इट मीन्स कि जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो पीजेंट्स के बीच में इकोनॉमिकली और सोशली क्या होने लगे, डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे. और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनमें से कुछ पीजेंट्स जो थे वो प्रोडक्शन जो है ज्यादा कर रहे थे, यानी लैंड्स को ज्यादा प्रोडक्टिव बना रहे थे और कुछ जो है कैटल्स को उन्होंने क्या किया था, कैप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, कैटल्स को पालना शुरू कर दिया था. और कुछ जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के साथ फ्री टाइम पे क्या करते थे, आर्टिसनल वर्क को भी फॉलो करते थे. तो सोसाइटी में क्या हुआ, डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे लोगों के बीच में. तो लोगों को क्या किया गया, जातीज और सब कास्ट में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया और उन्हें उनके बैकग्राउंड्स और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे क्या किया गया, उन्हें सब कास्ट में या कास्ट में इंक्लूड किया गया. Rank were not fixed permanently and varied according to the power, influence and resources controlled by the member of the jati. The status of the same jati could vary from area to area. That it means ki isme kisi ki rank jo thi wo decided nahi thi kisi bhi caste ke member ke paas kitni power hai aur कितना उसका इन्फ्लुएंस वहां पर पड़ रहा है या उसने कितने रिसोर्सेस को अपने कंट्रोल में किया है, उसके बेसिस पे उसके रैंक को क्या किया जाता था, डिसाइड किया जाता था कि वो हाई है या फिर लो है. सेम जाति का जो स्टेटस होता था वो भी एरिया टू एरिया क्या हो सकता था, वैरिड हो सकता था. लाइक सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका दो एरियाज पे कंट्रोल है, लेकिन एक फर्स्ट एरिया है जहां पर उसका कंट्रोल काफी अच्छा है, उसका पावर काफी अच्छा है, तो उस एरिया में उसका लेवल काफी हाई होगा. लेकिन जो सेकेंड एरिया जहां पर उसका कंट्रोल और उसका पावर, उसका इन्फ्लुएंस कम है, तो उस एरिया में उसका पावर क्या होगा, काफी लो होगा. Jatis framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as the Jati Panchayat. But Jatis were also required to follow the rules of their villages. Several villages were governed by a chieftains. Together they were only one small unit of a state. That it means सभी कास्ट के members ने क्या किया था, अपने members को control करने के लिए, उन्हें conduct करने के लिए
क्या किए थे, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे, और ये जो रेगुलेशंस थे ये असेंबली के एल्डर्स के थ्रू क्या किए जाते थे, फॉलो करवाए जाते थे, और इन्हें हम कुछ एरियाज में जाति पंचायत के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। लेकिन ये जो कास्ट है, जो कास्ट के मेंबर्स हैं, जो जातियां हैं, इन्हें क्या करना पड़ता था, इन्हें विलेजेस के रूल्स को भी क्या करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था। और कई ऐसे विलेजेस थे जहां पर चीफ्स यानी मुखियाओं का गवर्न था कि वो वहां पर क्या करते थे, गवर्न करते थे। अगर हम इन्हें कलेक्टिवली देखें तो ये एक स्टेट के वन स्मॉल यूनिट का ही क्या है, पार्ट है।